दोपहर 12 बजे के मैथिली बुलेटिन में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राम जानकी विवाह पंचमी का 5वां दिन उल्लासपूर्वक मनाओ जा रहा आय मचकोर। तीनों तह में खाली पद में आयु उपनिर्वाचन भरल, निर्धक्क भक मतदान कर निर्वाचन आयोग के आह्वान। भारत और चीन नेपाल संघ संबंध की एक रणनीति बनाव खोजने नेकपा अध्यक्ष दहाल कहब, त्रिदेशीय रणनीतिक समझदारी के संबंध स्थापित कर पड़वाक में जोर। इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब आर्सेनल द्वारा प्रशिक्षक उन्माई एमरी बर्खास्त, क्लब के नतीजा सुधार कर नहीं सकल आरोप। अब पूरा समाचार। राम जानकी विवाह पंचमी महोत्सव के 5वां दिन आय मटकोर कार्यक्रम रहलै। 4वां दिन शुक्र दिन सांस लोकसभ संपन्न भक आय मटकोर रहलै। मिथिला वैवाहिक विधि अनुसार दुल्ही पक्ष द्वारा दुल्हा पक्ष में जाकर दुल्हा के तिलक अबैत जाके तिलकोत्सव सेहो कहल जात। सप्ताहव्यापी सीताराम विवाह पंचमी के 5वां दिन अर्थात आई सीता राम के मटकोर कार्यक्रम है। जनकपुर गंगा सागर पोखर आ शनि दिन दोपहर राम आ जानकी के मटकोर कार्यक्रम के आय आयोजना कल गई। रवि दिन विवाह आ सोम दिन राम कलेवा का विवाह पंचमी महोत्सव संपन्न होते। इस संदर्भ में जानकारी देवाक लेल हमरा सबके टेलीफोन संपर्क में धनुषा संवाददाता प्रमोद कुमार शाह जुड़ चुकल छथि, हुनका संग बातचीत करी। स्वागत है अपने के मैथिली समाचार में प्रमोद जी। धन्यवाद। विवाह पंचमी के अवस्था के बारे में एखन जानकारी करा दी। जी, विवाह पंचमी के महोत्सव जे अइबेर जे मना रहल छै, ओना तो हरेक वर्ष विवाह पंचमी महोत्सव मनायल जाय छै, मुदा हरेक 5 वर्ष पर महामहोत्सव के रूप में विवाह पंचमी मनायल जाय छै, जाहि में अयोध्या सँ बरियाती साइज वाइज के विशेष बरियाती सेहो अबै छै। ओही तरह हुबेर सेहो 500 से ऊपर बरियाती सब एबेर आयल छै। आन साल के तुलना में अइ साल विवाह पंचमी के अवसर पर केहन किस्म के व्यवस्था सब कयल गेलै, जेना कि आन साल शौचालय सब के जेहन एकटा छोट समस्या के कारण से विवाह पंचमी में लथालिंग के अवस्था रहै छलखिन, तकर बाद बाट घाट निर्माण के अवस्था, भौतिक संरचना के व्यवस्था सब कोन तरह कयल गेल छै एबेर? जी, व्यवस्थापन के बात कयल जाय तऽ एबेर जे जानकी मंदिर लगायत विभिन्न संघ संस्था सब सेहो आनो बेर रहै छलैए, मुदा एहि बेर जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका सेहो एहि व्यवस्थापन के जिम्मा लेलकै हँ, जाहिमे जानकी मंदिर लगायत जे जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के लाल किशोर शाह के संयोजकत्व में सर सफाई समिति लगायत के विभिन्न समिति सब छै, जाहिमे जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका अपने के जे नगर में जतेक भी कचरा हेतै ओहि के सर सफाई करय से लऽ कऽ जे श्रद्धालु भक्तजन सब एतै हुनका सबके पानी खाना रह के जे व्यवस्था के जिम्मा लेने छै, ताहिके बाद जे नगर के में जे प्रमुख भीतर पैसा वाला ठाउ सब में जे स्वागत गेट होइ छै से बनाबक जिम्मा लेने छै, ताहिके एहि तरहे जे दीपावली मनाबक लेल सेहो आह्वान कयल गेल जनकपुर महानगर पालिका, जाहिमे 2 दिन आइ आ काल्हि अर्थात आइ मटकोर छै, काल्हि स्वयंवर आ शुभ विवाह काल्हि छै, 2 दिन जे अपन अपन दोकान अपन अपन घर ओहिठमन कलश सहित दीपावली मनाबक लेल व्यवस्था करक लेल आह्वान कयने छै। एहि तरह हम अपने के हम सुरक्षा दिस सेहो लऽ जाय चाहब तऽ एहिठमन के प्रहरी उपीक्षक छथिन शेखर खनाल, हुनकर अनुसार सुरक्षा के लेल अन्य ठाम सँ सेहो प्रहरी मंगाओल गेल छै। 3000 सँ ऊपर जे सशस्त्र जनपद आ ट्रैफिक लगा के 3000 सँ ऊपर प्रहरी परिचालन कयल गेल छै। अपने के जानकारी कराउ कि काल्हि खन विवाह पंचमी के मुख्य दिन छै, विवाहोत्सव के दिन छै, तऽ काल्हि खन जानकी मंदिर के मुख्य
प्रांगण में बड़का मॉनिटर लगा कर जी जी जे परिक्रमा क्षेत्र के जतेक भी ठाव छे जैठम श्रद्धालु भक्तन सब रहे छे हरेक ठाव में 60 से ऊपर सीसी कैमरा जड़ान के कैल जते जानकी मंदिर निगरानी कैल जते उसके बाद जे डीएसपी छे एठमन के रामेश्वर कार की उनकर संयोजकत्व में एक कमांड के सेहो गठन कैल गेल छे जैसे एठमन हो वाला सुरक्षा के वातावरण जना खास कर के एठमन पॉकेट मारी वाला समस्या जे भारत से होय या नेपाल से किया नहीं होय बहुत बढ़ जाय छे ओय के नियंत्रण करक लेल सादा पोशाक में प्रहरी के सेहो खटाओल गेल छे सिप एहि बेर विवाह पंचमी एकटा पर्यटक महामहोत्सव सेहो भरल अछि से पर्यटक आधार से जानकी मंदिर एकटा तऽ छेबे करै ऊपर से तेरह दक्षिण एशियाली खेलकूद सेहो जनकपुरे में आयोजन भऽ रहल छै एहि दुनू को मिला कर देखल जाए तो जनकपुर के पर्यटन क्षेत्र में केहन असर पड़ सकय जनकपुर के पर्यटन क्षेत्र के बात कैल जाए तो बहुत अवसर छै एहि में नकारल नहीं जा सकैए बहुत अवसर छै मुदा एहिठम एहिठमन जे मधेसे के मात्रे नहीं नेपाले के केंद्र बिंदु के जगह बन गेल छै एक पर्यटन तो छै है ऊपर से राजनीतिक जे एक खींचातानी छै जनकपुर में बेसी छै दोसर दोसर तरफ से देखल जाए कि पर्यटन की बात के लिए अपने तो पर्यटन अइ सरकारक जे पर्यटन मंत्री छथि योगेश भट्टराई जी वो पर्यटन वर्ष के शुरुआत जे केलखिन तऽ जनकपुर धामे साहिब के पर्यटन वर्ष के शुरुआत केलखिन तऽ अहू से अंदाजा लगा सकै छियै कि नेपाल गवर्नमेंट सेहो जनै छै कि जनकपुर धाम सब पर्यटन के बढ़िया शुरुआत कैल जा सकै हाँ जी धन्यवाद ई छलखिन धनुषा से हमरा सबक संवाददाता प्रमोद कुमार शाह जी एखन विवाह पंचमी के अवस्था में जानकारी करलथि तऽ संपूर्ण जानकारी करलथि बाकी अपडेट सेहो हम सब अपने सबके बाकी समाचार में करब आप चलै छी हम सब बाकी समाचार दिस विभिन्न कारण से खाली रहल संघ प्रदेश स्थानीय तह में आई उपनिर्वाचन भ रहल अछि उपनिर्वाचन भ वाला स्थान में भिनसरे 7 बजे से मतदान सेहो शुरू भ चुकल अछि निर्वाचन आयोग अनुसार मतदाता बिरिया के 5 बजे धरि मतदान स्थल पहुँच कर अपन मत जाहिर कर सकवत से जनाओल गेल अछि निर्वाचन आयोग उपनिर्वाचन के लेल सुरक्षा व्यवस्था समेत कड़ा कल गेल कहित निश्चिंत भ कर मतदान कर मतदाता के आह्वान कयने छथि प्रतिनिधि सभा के एक प्रदेश सभा के 3 स्थानीय तक 48 स्थान खाली अर्थात रिक्त रहल अछि तत्कालीन पर्यटन मंत्री तथा खासकी क्षेत्र नंबर 2 की सांसद रविन्द्र अधिकारी के निधन के बाद ये स्थान सेहो खाली रहल छल तहिना भक्तपुर 1 के बागलुंग 2 ख दांग के 3 ख में प्रदेश सभा के सदस्य के लिए आई सेहो उपनिर्वाचन भ रहल अछि स्थानीय दिस सुनसरी के धरान उपमहानगरपालिका के प्रमुख लेल चुनाव भ रहल अछि 5 तरह के फाल्गुनंद सुखवा सभा के मकालू महतरी के पिपरा गांव पालिका के अध्यक्ष तथा हुमला के खारपुनाथ गांव पालिका के उपाध्यक्ष के पद सेहो खाली अछि तहिना नगर पालिका तथा गांव पालिका के रिक्त 43 वार्ड अध्यक्ष पद के लेल सेहो आइयो चुनाव भ रहल अछि तहिना एहि सन्दर्भमे हमरा सबके जानकारी देबाक हेतु हमरा सबके महोत्तरी संवाददाता रंजन भंडारी जी टेलीफोन सम्पर्क में छथि हुनका संग अपडेट ली रंजन जी स्वागत अछि अपनेके मैथिली समाचार में धन्यवाद सी सर प्रदेश नंबर 2 के सबसे बेसी देखल जाय वाला अहाँके एबर के निर्वाचन उपनिर्वाचन भ रहल अछि महोत्तरी के पिपरा में केहन अवस्था छै एखन ओतय के सिर्फ सर पिपरा में सवेरे 7 बजे से मतदान शुरू भेल छल हम सुबह से ही सब मतदान केंद्र सब पर घूम रहल छी जी शुरू के 1 घंटा 7 से 8 बजे के करीब में अहाँ के एकदम धुनी लगला के कारण किछ मतदान केंद्र सब में मतदाता सब के उपस्थिति न्यून छल लेकिन 8 बजे के बाद जहिना जहिना धूप उगल गेल ओहिना मतदाता सब के संख्या एकदम उत्साहजनक रूप में मतदान केंद्र सब में भरत गेल अभी करीब 30% जते मतदान भ चुकल मुख्य निर्वाचन अधिकृत विष्णु सुवेदी जी हमरा सबके जानकारी देने छथि और मतदान केंद्र सब पर घूमि रहल छी अधिकांश मतदान केंद्र पर 200 से ज्यादा खसि चुकल छै मतपत्र और अच्छा एखन एहि जगह सब पर अहाँके सुरक्षा के व्यवस्था सेहो एकदम चौक दुरुस्त कयल गेल छै कोनो भी तरह के जना की पिपरा में आके 2 दिन पहले ही बम विस्फोट की घटना भेल छलै जी जी बम विस्फोट जे भेल छलै ओय के बाद से सुरक्षा में किनको भी असावधानी नहीं बरतल जा रहल है और पूर्ण रूप से प्रयास भ रहल है कि
महोत्तरी में आब दोबारा ओहन कोनो घटना नहीं दोहरे अय के लागि करीब 2000 से ऊपर सुरक्षाकर्मी नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी और नेपाली सेना के व्यवस्थापन कैल गेल छै मतदान स्थल के भीतरी में नेपाल प्रहरी सुरक्षा दऽ रहल छै तहिना गेट के परिसर के आजू बाजू में आके सशस्त्र प्रहरी छै तहिने नेपाली सेना के घुमती टोली सब छै हरेक मतदान केंद्र पर नेपाली सेना के टोली गश्ती कर रहल छै चारू साइड से पैदल में और पूर्ण रूप से आई के निर्वाचन व्यवस्थित लाग रहल है। दोसर बात जी मतदान केंद्र सब पर अहाँ के महिला मतदाता सब के उपस्थिति बहुत ज्यादा देखल गेल छै पुरुष मतदाता के तुलना में भऽ सकै है कि किछ घंटा के बाद या किछ देर के बाद पुरुष सब सेहो एतै मतदान करे लेकिन पुरुष के तुलना में महिला सब के उत्साह बहुत ज्यादा देखल जा रहल छै। हम अभी हमरा सामने में एकटा वृद्धा जे कि करीब 85 वर्ष के संभवतः हेथिन 80-85 से इनकर उम्र ज्यादा हेतै गाढ़ झुक के चल रहल छै लेकिन मतदान करे हुनकर संभवतः बेटा या केओ हुनका लऽ के आयल छै। जी जी सर जी धन्यवाद छलखिन महोत्तरी से रंजन भंडारी जी हमरा सबके एखन उपनिर्वाचन के लक अखन को अवस्था जानकारी करौले था। एखन हम सब चली छी छोट विश्राम देश मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर में शुक्र दिन पूजा अर्चना क घूमल विवाह पंचमी में भारत के अध्यक्ष आयल बराती के स्वागत करवा लेल जनकपुर धाम पहुंचल राष्ट्रपति भंडारी जानकी मंदिर में पूजा पाठ कैली। पूजा पाठ के बाद भंडारी मधीश भवन में आयोजित दीवा भोज में समेत सहभागी भेल छले। राष्ट्रपति भंडारी रंगभूमि मैदान में भारतीय बराती के स्वागत समेत कले। राष्ट्रपति भंडारी संगे पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराय भूमि व्यवस्था मंत्री पद्मा अर्याल सेहो सहभागी छलन। भंडारी रंगभूमि मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम के बीच भारत के अध्यक्ष आयल बराती के स्वागत कने चले। भारत से आधुनिक गाड़ी हाथी घोड़ा लगातक सवारी प्रयोग को भारतीय बराती बृहस्पति दिने जनकपुर धाम आई पहुँचल छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल भारत चीन नेपाल संगे संबंध के दू एक रणनीति बनाव खोजने कहित असंतुष्टि जाहिर कलन। ऐसा शुक्र दिन काठमांडू में नेपाल चाइना मीडिया फोरम आयोजना करने कार्यक्रम में ओ चीन आ भारत संग नेपालक संबंध समानता के धार्मिक त्रिदेशीय रणनीतिक समझदारी के संबंध में होब पड़वाक बतौलन। दोनों पड़ोसी नेपालक सार्वभौमिकता आ अखंडता के सम्मान करित समदूरी कायम राख पड़वाक अध्यक्ष दाहाल के कहब छन। हाम्रा विकास निर्माणका परियोजनाहरू पनि त्यसै अनुसार लाने कुराले मात्रै भारत चीन नेपाल सबैको स्वतन्त्रता सबैको चाहिँ समान हैसियत सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको हिसाबले उनीहरूको हैसियत बराबरी छ। अध्यक्ष दाहाल नेपालक विकासमै त्रिदेशीय रणनीति आवश्यकता रहल सेहो बतौलन। नेपाल चीन भारतकै ट्रान्जिट मात्र नै भक विकासकै साझेदार सेहो रहलकै दाहाल नेपाल त्रिदेशीय रणनीतिक समझदारीक सम्बन्ध स्थापित गर जनमत निर्माण गर पर्वाकमे जोड देलन। नेपाललाई खालि ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा मात्रै होइन नेपाल पनि एउटा यो समग्र रणनीतिक प्रक्रियाको सहभागी स्वामित्व सहितको सहभागी राष्ट्रको रूपमा परिभाषित हुँदा मात्रै त्यसले चाहिँ खेल्ने भूमिका अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ दीर्घकालीन र रणनीतिक प्रकृतिकै हुन सक्छ। चीन नीति प्रति प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौलन। उपप्रधान एवं कानून तथा संसदीय मामला मंत्री उपेन्द्र यादव हाल ही भेल न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया में असहमति जाहिर कने छथि। उप प्रधानमंत्री यादव मंत्रालय परिवर्तन होबसँ पहिने तत्कालीन कानून मंत्री भानुभक्त ढकाल न्यायाधीश नियुक्ति के लेल केने सिफारिश कानून विपरीत भेल सेहो बतौलने। शुक्र दिन कानून मंत्रालय में संचारकर्मी संग बातचीत करैत उप प्रधानमंत्री यादव या निर्णय से चकित पड़ल कहित निर्णय कानून विपरीत भेल सेहो बतौलन। समय दिएछ खाली भएको समयदेखि खाली सर्वोच्चको हकमा चाहिँ अलिकति अगाडि छ अरूको हकमा पछि छ त एक महिना पछि खाली भएको एक महिनाभित्र सिफारिस गर्ने भनेको छ त्यो ठाउँमा खाली हुनुभन्दा अगाडि नै
खाली हुने गरी एक महिनापछि खाली होला अनि नै अगाडि गर्नु भन्ने कानुनको मानसिकता छैन, तर त्यो भयो। अघन 4 गते बैसल न्याय परिषदकै बैसार छ उच्च अदालतकै न्यायाधीशकै लेल जिल्ला न्यायाधीश 9 गोटे न्याय सेवा छ 1 अधिवक्ता छ 5 गोटेको नाम सिफारिस कल गर्छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक संग होटल सब 10% सेवा शुल्क उठावैत श्रमिक देव प्रभाव रकम देव किचकिच क राज्यकै ठगी रहल आरोप लागलै छ। सम्झौता अनुसार सेवा शुल्क नै देबवला सबक विरोधमे उतरबाक होटल श्रमिक सब चेतावनी देने छ। नेपाल स्वतन्त्र होटल तथा क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियन नेस होमियुके 39 स्थापना दिवसको अवसरमै सम्झौता अनुसार अधिकांश होटल सब 10% सेवा शुल्क रकम नै दिने गएत विरोध गरिरहेछ। राज्यकै तिर प्रभाव कर छल अन्य श्रमिक प्रतिको दायित्व बढाइतकै होटल सेवा दिवस पाछु हट रहल आरोप लगाएछ। जब सर्भिस चार्ज लाग्छ सर्भिस चार्ज सँगसँगै चाहिँ भ्याट पनि चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ। जब चाहिँ भ्याट तिर्नुपर्ने भने उनीहरूले चाहिँ आम्दानी लुकाउन सक्दैनन्। त्यसले गर्दा पारदर्शी हुन्छ भन्ने एउटा चिन्ता चाहिँ रोजगारदाताहरूलाई चाहिँ त्यो छ भने अर्को श्रमिकहरूले चाहिँ सर्भिस चार्ज पाइसके पछाडि उनीहरूले अधिकारका बारेमा चाहिँ थाहा पाउँछन् र उनीहरू सङ्गठित हुन्छन् त्यसबाट आफूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने चाहिँ मनसायले काम गरेर देखिन्छ जुन चाहिँ त्यो गलत हो। पारदर्शी ढङ्गले चल्दा नै रोजगारदातालाई पनि फाइदा छ श्रमिकलाई पनि फाइदा छ। इमर होटल व्यवस्थापक सेहो सेवा शुल्कमै समस्या रहल स्वीकार गरे देशभरिकै समस्या समाधान गर तयार रहल बताउने छथ। एहिके लेल टास्क फोर्सै गठन कयल जेबाक वार्ताके माध्यमसँ समस्या समाधान कयल जेबाक बताओल गेल छ। होटल क्षेत्रकै सब श्रमिक सबक समस्या समाधान क नेपाल भ्रमण वर्षमै बेसी से बेसी पर्यटक नेपाल लेबाक मे लाइक प्रभाग व्यवसायी सबके कहबै छ। 14 च्याप्टरमा ट्रेनिङ पनि दिने सेवा शुल्क पनि उहाँहरूलाई बुझाएर सेवा शुल्क कम्पलसरी तिर्नैपर्छ किनभने यो एन्डमा आइसकेछ होइन त्यो एन्डमा आइसकेकोले कुनै पनि प्रतिष्ठानले यो चाहिँ दिनैपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले यो भन्नलाई पनि यो ट्रेनिङ गर्नलाई छ। कार्यक्रममा होटल श्रमिक सब सेवा शुल्क नै दिने विरुद्ध आन्दोलनकै चेतावनी समेत दिनेछ। तहिना स्थापना दिवसको अवसरमै सर्वोत्कृष्ट ट्रेड युनियन पुरस्कार स्वर्गीय माधव न्यौपाने स्मृति छात्रवृत्ति पुरस्कार समेत प्रदान कयल गेल छ। क्यामरामेन कुमार मनान्धरकै साथ हरिशरण न्यौपाने काठमाडौँ। आप खेलकुद समाचार। इङ्ग्लिश प्रिमियर लिग क्लब आर्सेनल प्रशिक्षक उनाई एमरीकै बर्खास्त गर्नेछ। एमरी 18 महिने आर्सेनलकै प्रशिक्षकको रूपमा रहला बाद बर्खास्त कयल गेलैछ। स्पेनिस एमरी 18 महिना पहिने फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजी स आर्सेनलमै आयल छलै त। ओ पिएसजीकै फ्रेन्च लिग वानकै उपाधि दियाबा दिउने छलै त। ओहिसँ पहिने सेभिलाकै प्रशिक्षकको रूपमा उनकै क्लबकै 3 बेर युरोपा लिगकै उपाधि जिता चुकल छ। यता आर्सेनल वेङ्गर छोड्लाको बाद एमरीसन 2018 मेमे आर्सेनलकै प्रशिक्षकको रूपमा नियुक्त भेल छलाह। क्लबक प्रदर्शन तथा नतिजा आज कयल गेल सकिस निचा रहल प्रशिक्षकके बर्खास्त कयल गेल आर्सेनल जनलकै छ। आर्सेनलकै पिछला सप्ताह खेलमे जित नै सकल छल। आर्सेनल एखन 13 खेल छ 18 अङ्कसहित 8 स्थानमे रहल छ। समाचारके अन्तमा प्रमुख समाचार सब फेर सकबेर। रामजान की विवाह पंचमी के आई 5वां दिन उल्लासपूर्वक मनाओल जा रहा आई मटकोर। तीनों तह के खाली पद में आई पुनर्वासन भरल निर्धारक मतदान कर निर्वाचन आयोग के आह्वान। भारत चीन नेपाल संघ संबंध की दू एक रणनीति बनाब खोजने नेकपा अध्यक्ष दहाल के कहब त्रिदेशीय रणनीतिक समझदारी संबंध स्थापित कर पढ़वाक में जोर। इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब आर्सेनल द्वारा प्रशिक्षक उनाई एमरी के बर्खास्त क्लब के नतीजा सुधार कर नहीं सकल आरोप। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर और हमरा सबके वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पढ़ देख आ सुन सके से। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।